नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस में से एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग। ये जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग का कॉलेज है, यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक पोस्ट आई है। इसके अलावा असिस्टेंट की भी पोस्ट है। जैसे ये देख लीजिए, असिस्टेंट की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट और कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, फ़ीस क्या है और इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल देखते हैं। देखिए, फ़ीस देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये रखी है, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए 800 रुपये फ़ीस है, और 600 रुपये फ़ीस जो है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पोस्ट मैंने बताई दी, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्टें हैं यहाँ पर। और 10 तारीख से हम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज 11 तारीख है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट की अगर बात करें तो असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर 12th पास होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। इसके अलावा हम बात करें कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो एक पोस्ट थी, और यहाँ पर इसकी एज जो मांगी है वो 30 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम, 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट और लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बीलिप का है तो भी आप फिल कर सकते हैं, मतलब सीलिप, कम से कम सीलिप का कोर्स होना चाहिए, उसके ऊपर की भी डिग्री चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी यहाँ पे एक पोस्ट है, तो वो 10वीं पास इन्होंने मांगा है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं कि हमसे एलिजिबिलिटी हमने देख ही ली है और हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर ये देखिए फ़ीस है और लास्ट डेट यहाँ पर इन्होंने दिखा, पहले ही मैंने बता दिया आपको कि लास्ट डेट जो है 31/7/2021 है। फ़ीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फ़ीस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो सिलेबस इसका है, ये फॉर्म फिल करने का तरीका बताया कि यहाँ पे फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पर पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वो फॉर्म, आपको हार्ड कॉपी उसका निकालना है और फिर उसे कॉलेज में भेजना है। ठीक है, अब यहाँ सिलेबस की मैं बात कर लूँ तो सिलेबस इसका कहाँ है, ये रहा। देखिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो सिलेबस है वो है हमारा 150 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब जो ये 150 क्वेश्चन होंगे वो कैसे डिवाइड किए गए हैं तो वो देख लीजिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के 50 सवाल होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे, जनरल रीजनिंग के जो होंगे वो 25 होंगे, जनरल मैथ के 25 सवाल होंगे और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सेक्शन जो 25 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 300 मार्क्स के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाता है, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद वो फॉर्म आपको उसकी हार्ड कॉपी यहाँ कॉलेज में भेजनी होगी। ठीक है, चलिए